आज के हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देवभूमि की मुख्य खबरों पर। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधायक सुखबीर सिंह रंधावा पत्नी के साथ मंगलवार को हिमाचल प्रदेश पहुंचे। यहां उन्होंने ऊना जिले में स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूरी के दरबार में सुबह 10 बजे के करीब माथा टेका। पुजारी अंकुर कालिया ने विधिवत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके पूजा अर्चना करवाई। चुनाव जीतने के बाद शुक्राना अदा किया। पूजा अर्चना करने के बाद दंपति ने मंदिर परिसर में स्थित पावन वट वृक्ष को मौली का धागा बांधा और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर न्यास चिंतपूरी की ओर से एडीसी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने उनका स्वागत किया और माता की फोटो स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। विधायक रंधावा पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार मंदिर आए हैं। शीयद प्रत्याशी को हराकर विधायक बने। बता दें कि विधानसभा चुनाव मतदान से पहले वह मां के दरबार में शीश नवाने आए थे और जीत की मनोकामना की थी। डेरा बाबा नामक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रंधावा ने कांटे की टक्कर में 466 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्हें 52,555 वोट मिले, जबकि शिया दल के कैंडिडेट रविकरण सिंह कहला को 52,089 वोट मिले थे। सोलन के बद्दी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने बिलासपुर और हमीरपुर के दो युवकों को किया गिरफ्तार। कमरे से दो युवतियां भी मिली। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में अमरावती कॉलोनी में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दो युवतियों को भी आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच भी शुरू कर दी है। बाहर से लाई गई थी लड़कियां। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फेस 3 में अमरावती कॉलोनी स्थित एक घर में दो युवक बाहर से लड़कियां लाकर देह व्यापार का धंधा करते हैं। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दबिश दी तो कमरे में दो युवक और एक लड़की मिली। साथ वाला कमरा अंदर से बंद था, जिसे खुलवाया गया तो अंदर भी एक अन्य लड़की थी। रजिस्ट्रेशन की मिलेगी मुफ्त सुविधा। विधानसभा के बाल सत्र में 8 से 17 साल के बच्चे ले सकते हैं भाग। प्रदेश में 12 जून को होने वाले विधानसभा बाल सत्र में 8 से 17 साल की आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस अभियान में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री रखा गया। बच्चों से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक सभी बच्चों को www.digitalbalmela.com पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पंजीकृत करना होगा। कोई समस्या आने पर इस नंबर 800-591-5026 पर संपर्क किया जा सकता है। सरकारी, गैर सरकारी और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे भी इस बाल सत्र में भाग ले सकते हैं। बाल सत्र में भाग लेने के लिए 15 मई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तय की गई है। बच्चों का चयन ज्यूरी द्वारा किया जाएगा, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी के सदस्य शामिल होंगे। पारदर्शिता के लिए ज्यूरी के पैनल के सदस्यों का नाम गुप्त रहेंगे। डिजिटल बाल मेला की जानवी शर्मा ने बताया कि इस अभियान में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और पूरे देश से अपने सुझाव जनता के सामने रख रहे हैं। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति
न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। अजी को बाबा सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमानसंघाच्या समितीची भूमिका मी कमी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कशाची वाटेल पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। दूल्हे को गोद में उठाकर कांग्रेस विधायक का डांस, आशीर्वाद देने पहुंचे के ध्रुव ढोल की थाप पर खूब झूमे, लोग बनाते रहे वीडियो। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव का बिंदास और अनोखा अंदाज हल्दी समारोह में देखने को मिला। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के करहनी गांव में आदिवासी परिवार के घर शादी समारोह में शामिल हुए। यहां वे दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। अब इस समारोह में उनके नाचने का अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों को विधायक की ये सादगी खूब पसंद आ रही है। 1 मई को यहां हल्दी की रस्म थी, वहीं आज शादी है। हल्दी की रस्म में जब विधायक पहुंचे तो यहां दूल्हे नीलेश ओटी को हल्दी लगाई जा रही थी। रस्म के बाद यहां ढोलक की थाप पर नाचने गाने का कार्यक्रम भी चल रहा था। विधायक एक ध्रुव भी खुद को रोक नहीं पाए और ढोल की थाप में झूमने लगे। उन्होंने नीलेश को अपनी गोद में उठा लिया और नाचने लगे। उनके इस अंदाज पर वहां मौजूद लोग भी खुश हो गए। विधायक एक ध्रुव के नाचने का वीडियो लोगों ने बनाकर शेयर कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वे काफी देर तक आदिवासी लोग गीतों पर झूमते रहे, जिससे ये शादी यादगार बन गई। इसके बाद विधायक के ध्रुव ने दूल्हे को खुशी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया और वहां से रवाना हो गए। जयपुर में कॉलेज छात्रा से रेप, मेंटली टॉर्चर कर दोस्त ने किया दुष्कर्म, बात नहीं मानने पर करता मारपीट। जयपुर में दोस्ती कर एक कॉलेज छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। डरा धमका कर मेंटली टॉर्चर कर आरोपी दोस्त ने उसके साथ रेप किया, उसकी बात नहीं मानने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती। लालकोठी थाने में पीड़ित छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जाँच SHO लालकोठी सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सोडाला निवासी 20 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह कॉलेज में BCOM सेकंड ईयर की छात्रा है। जनवरी 2022 में उसकी दोस्त के जरिए मुकेश से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच कॉलेज को लेकर बातचीत होती रहती थी। फरवरी 2023 में बातचीत बंद करने पर घर वालों को कॉल करने की धमकी देता, मेंटली टॉर्चर कर खुद के फ्लैट पर ले जाकर रेप किया। डरा धमका कर उसको कई बार फ्लैट पर ले जाकर आरोपी ने रेप किया। परेशान होकर 2-3 बार पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश भी की। आरोपी मुकेश की बात नहीं मानने पर वह उसके साथ मारपीट करता। परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में मोदी राहुल की रैली, PM बोले कांग्रेस की वारंटी खत्म। राहुल ने पूछा, आप कर्नाटक सरकार की भ्रष्टाचार पर चुप क्यों? 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होंगे, उससे पहले भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चित्रदुर्ग में रैली की, वहीं राहुल गांधी ने तुमकुरु में जनसभा को संबोधित किया। PM ने कहा, कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की विश्वसनीयता खो चुकी है, ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी झूठी है। वहीं राहुल ने कहा, कर्नाटक में भाजपा ने चोरी से सरकार बनाई है। भाजपा ने 3 साल पहले लोकतंत्र को खत्म कर इसे चुरा लिया। PM कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। PM मोदी ने कांग्रेस के इतिहास को आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण से जोड़ते हुए कहा, जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। PM ने कर्नाटक में शिक्षा को फोकस में रखने की बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा ने किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रायता विद्या निधि की शुरुआत की है। आदिवासी साथियों के लिए 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए। कांग्रेस सरकार ने तो बच्चों की यूनिफॉर्म में भी घोटाला कर दिया था। राजस्थान में बारिश से 14 डिग्री गिरा तापमान, 3 दिन पूरे राज्य में तेज बरसात का अलर्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ी बगी। राजस्थान में इस बार मौसम के उलटफेर ने सभी को चौंका दिया। जहां इन दिनों हर साल 44 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली भीषण गर्मी लोगों को सताती है, वहीं इस बार सर्दी जैसी धुंध सुबह सुबह दिखाई दे रही है और मौसम में काफी ठंडक है। कई शहरों में बीते 2 दिनों में 1.5 से 2 इंच तक बरसात हुई है। इस कारण दिन का तापमान सामान्य से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम की ये स्थिति अभी अगले 3 दिन और बनी रह सकती है। बारिश के कारण कई बरसाती नदी नालों में पानी आ गया है। करौली में ऐसे ही एक नाले में फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ी बह गई है, हालांकि ऑफिसर को बचा लिया गया। राज्य में आज की स्थिति देखें तो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर समेत उत्तर राजस्थान के कई हिस्सों में
सुबह सुबह धुंध छाई रही। इससे पहले पिलानी, चूरू, सीकर, अजमेर समेत कई जिलों में देर शाम तेज बारिश हुई। हनुमानगढ़, गंगानगर एरिया में 30 किलोमीटर स्पीड से चली तेज हवा के साथ तूफानी बारिश हुई। बारिश का ये मौसम देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार मानसून समय से पहले आ गया हो। शहरों गांव में बारिश के कारण जगह जगह सड़कों और छोटे बरसाती नालों में पानी बहता दिखा। छत्तीसगढ़ में हाई राइज टावर से पैदा होगी विंग इंजरी, पानी की एक बूंद भी नहीं होगी बेकार। इको फ्रेंडली आईआईटी कैंपस भिलाई में बनकर तैयार। छत्तीसगढ़ में बन रहे आईआईटी भिलाई की बिल्डिंग भले ही कंक्रीट और लोहे की हो, लेकिन यह पूरी तरह इको फ्रेंडली तरीके से संचालित होगी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने बताया कि यहां एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं होगा और जो भी बिजली यूज की जाएगी वो सोलर और विंड इंजरी के जरिए पैदा की जाएगी। राजीव प्रकाश ने भास्कर से इसे लेकर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आईआईटी भिलाई नेट जीरो पर काम कर रहा है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि यहां से कुछ भी वेस्ट ना हो, फिर चाहे वो वाटर हो या इंजरी। पूरी बिल्डिंग में सोलर पैनल लगाए गए हैं, इसे पूरी तरह से यूज करेंगे और जो इंजरी उपयोग से अधिक होगी उसे ग्रिड के जरिए दूसरी कंपनी को बेचेंगे। आईआईटी भिलाई में कई हाई राइज टावर बने हैं, इसके जरिए विंड इंजरी को भी एक्सप्लोर करने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए रिसर्च चल रहा है, जुलाई या अगस्त 2023 तक यह पूरा हो जाएगा। आईआईटी इसमें कितना सफल होगा ये रिसर्च पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा। विंड इंजरी के साथ ही यहाँ बायो इंजरी का उपयोग किस तरह से किया जाए इसको लेकर काम चल रहा है। अर्थ प्रकाश के हिमाचल बुलेटिन को देखते रहने के लिए तथा देश दुनिया की जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।